थैंक यू भैया, आप लोग के ब्लॉग के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत दूर कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद से इतने दूर से बनारस आए हैं। भाई को प्यार दिला दीजिए। आप लोग ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। जितने भी हमारे दर्शक श्रोतागण हैं, भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार। ये आपका फर्स्ट वीडियो कौन सा वायरल हुआ? तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी रात का 2:03 का ट्रेन आ चुका है। इसी ट्रेन से हम लोग चलते हैं बनारस और रितेश पांडे जी से आप लोग को मिलाएंगे दोस्तों। तो आज हम रात भर नहीं सोए यार, दिन भर ब्लॉग शूट किया। 2 बजे से मेरा ट्रेन था बनारस के लिए, तो रितेश पांडे से मिलने में जा रहा हूँ। और देखिए सारे लोग सो गए हैं पर मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, क्योंकि सोने के चक्कर में सोचा कि मोबाइल चोरी हो जाएगा या पर्स चोरी हो जाएगा तो फिर गए काम से। इसलिए रात भर जग करके वीडियो बनाया हूँ दोस्त। इस वीडियो में मुझे अच्छा खासा लाइक देना यार, बहुत काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, रात रात भर जगने पड़ता है यार। हम अभी काशी स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह सुबह मैं 5 बज रहा है और 5 बजे मैं उतरा हूँ बनारस जंक्शन पे। और यहाँ से मैं आज मिलने जा रहा हूँ दोस्तों रितेश पांडे जी से। तो पहले ही उनसे बात हो चुकी है, फाइनली हम उनसे मिलवाएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उनसे मैं मिलवाऊंगा, क्योंकि उनसे डायरेक्ट कॉल से बात हुआ है। वही बोले हैं कि आ जाओ छोटू, मिलते हैं बनारस में। तो मैं बता दूँ कैसे उनसे बात हुआ कि कल मैं गया था सासाराम में उनके घर पे, पुराना वाला घर पे। तो उन्होंने उनके भैया बोले कि यहाँ पे वो नहीं रहते हैं, बनारस रहते हैं। तो उनसे नंबर मांगे और उनसे बात हुआ, उन्होंने बुलाया मुझे बनारस। तो चलिए पहले चलता हूँ मैं पांडेपुर और आप लोग का दिखाते हैं, और रितेश पांडे जी से पूरा मिलाते हैं और इंटरव्यू लेंगे दोस्तों। और कौन कौन गाना उनका नया आने वाला है, कौन फिल्म में आने वाला है, सारा इंट्रोडक्शन कराएंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहें, जरा सा भी स्किप मत करिए दोस्तों, वरना आज मिस कर जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बनारस जंक्शन है वाराणसी, तो हम इसी ट्रेन से अभी आए थे। आप लोग देख सकते हैं बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखता है, काफी अच्छा और खूबसूरत लगा मुझे दोस्तों, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ वाराणसी में। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पांडेपुर चौक के पास पहुंच चुके हैं, और यहां से मुझे घमंडी पान दुकान एक है वहां पे जाना होगा। वहां से एक पक्का कुआं पड़ता है, किसी से भी पूछिएगा अगर आप लोग को जाना होगा उनसे मिलने, तो पक्का कुआं से बगल में ही उनका घर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उनके घर की। तो फाइनली दोस्तों हम अभी रितेश पांडे जी के घर के पास पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यही उनका घर है, और भैया वो तो घर पे ही हैं, तो आपसे उनको भी उनसे भी आप लोग को मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो में बन रहे हैं, वीडियो छोड़ के ना जाएं, और मैं आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ और अंदर चलेंगे और अंदर का उनका भी पूरा दिखाएंगे। कुछ अवार्ड वार्ड जीते हैं तो सारा चीज़ आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का घर है उनका, ये लंबा चौड़ा काफ़ी है, इतना चौड़ा घर है, देख सकते हैं। ये 4 तल्ला बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा घर है इनका, और अंदर भी बहुत खूबसूरत होगा। तो चलते हैं इनके अंदर घर में, और सामने से कुछ ऐसा है, और आगे से देखिए ये गेट है, पार्वती भवन लिखा हुआ है, उनके मम्मी जी का नाम है पार्वती। आप देख सकते हैं ये 4 तल्ला बिल्डिंग है। तो चलते हैं अब इनके घर के अंदर, बेल बजाते हैं। इनके घर के अंदर देख सकते हैं, और इनके उनके बड़े भैया हैं, इनसे भी कुछ कुछ बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग को अंदर बुलाएं और नाश्ता का भी इनवाइट किए। तो देख सकते हैं रितेश पांडे जी का कुछ कैटलॉग लगा हुआ है, तस्वीर उनका, और काफ़ी ज़्यादा वो अवार्ड जीते हैं। मैं बता दूँ कि उनका एक गाना आया था, हलो कौन हम बोले तुम बोली, ऐसा कुछ गाना था। 125 मिलियन उस पर व्यू आया दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा व्यू आया था। और उनका देखिए ये सब अवार्ड रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा अच्छा अवार्ड है, वो जीते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है ये देखिए। और नीचे में ये सब मूर्ति रखा हुआ है, और भैया का फोटो देख सकते हैं आप लोग, ये है बचपन का उनका फोटो है, उनके बाद फिर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, काफी ज्यादा इनका फोटो भी है यहाँ पे। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, आप उनके बड़े भैया हैं जी? तो भैया जी वो यहाँ पे घर पे हैं? अभी तो घर पे नहीं है, वो सूट पे हैं। सूट पे हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी ना? हाँ एकदम हो जाएगी, आप लोग जाइए वहाँ पे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम इस होटल पे पहुंच चुके हैं, इसी में रितेश पांडे भैया हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये होटल का नाम बता दूँ, सेवेंदर होटल है, ठीक है। उनसे मिलते हैं और उनसे बातें करेंगे दोस्तों। वीडियो में रहेगा, एक से एक बात होगी, मज़ा आने वाला है। कुछ इस प्रकार का होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है।
देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम भैया के रूम में आ चुके हैं और ये हमारे बगल में ही भैया हैं, तो इनसे बातें होगी। नमस्कार भैया, तो आप कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया भाई, बनारस में हम लोग प्रजातंत्र पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा, प्रजातंत्र आपका नया फिल्म आने वाला है? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिल्म का शूटिंग चल रहा है, प्रजातंत्र फिल्म आने वाला है भैया के, रितेश पांडे भैया जी का। ये सब देख सकते हैं, जेल में कैदी लोग कैद हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है जिला कार्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश, और इधर घड़ा उड़ा रखा हुआ है पानी पीने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यार, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ फिल्म का शूटिंग कैसे होता है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ आँखों द्वारा। ये देखिए डायरेक्टर समझा रहा है कट कट करा कैसे मारना है इसको, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो छोड़िए, बहुत लेट हो जाएगा, हम चलते हैं अब रितेश पांडे जी से बात करते हैं। दोस्तों काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद दोस्तों, मतलब दो दिन से घर पर निकले हैं, काफ़ी मेहनत लगता है भैया। ब्लॉग शूट करना मतलब समझिए कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है, काहे कि हम लोग को लूटा जाता है एक तरह से मानिए तो, क्योंकि हम अलग अलग जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोग हमको तो जानकारी नहीं देता है कहाँ जाते हैं, मतलब समझ नहीं पा रहा। जैसे कि हम अभी ऑटो पकड़ते हैं, 2 किलोमीटर भी जाना है तो उन लोग रिजर्व हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा हम लोग तो मालूम नहीं है, कितना दूर जाना है क्या करना है, घंटे गानी भाड़ा हम लोग से लिया जाता है। अनजान शहरों में हम लोग को तो पता नहीं है कितना रुपया देना है ऑटो वाला, इधर अनजान लोग से ढूंढते हैं ऑटो वाला। चलिए, सब ऐसा सारे ऑटो वालों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते होंगे। चलिए ठीक है, तो भैया जी से हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट वीडियो कौन सा वायरल हुआ था? वीडियो सॉन्ग, हाँ सॉन्ग, फर्स्ट गाना? बहुत सारे गाना, सबसे पहले मेरा एक गाना था माटी की मूर्तियाँ। अच्छा, माता जी का गाना था वो सबसे, और एक गरबा के, हाँ उसके बाद जाए चल रहा। और सबसे ज़्यादा आपका मिलियन व्यूज एक गया है हेलो कौन, है ना, आप वो लगवा से गाना सुना दीजिए। गवाइए मत गाना, अभी थोड़ा सा मैं दूसरे काम में था। अच्छा, और कुछ तो दिखा दूँ ना जो आपको याद है गाना, अभी जल्दी में आप क्या। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत नेक इंसान है यार, मिल लिए, काफी लोग तो कोई मिल नहीं पाते हैं, तो थैंक यू भैया। आप लोग के ब्लॉग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, और बहुत दूर कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद से। कितने दूर से बनारस आए हैं? भाई को प्यार दिला दीजिए, आप लोग ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जितने भी हमारे दर्शक श्रोतागण हैं भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार। ठीक है, थैंक यू। फाइनली दोस्त भैया जी से मुलाकात हो गई और कुछ कुछ बात भी हो गई, लेकिन वो जिम कर रहे थे तो काफ़ी थके हुए थे, लेकिन 2 मिनट टाइम दे दिए वही काफ़ी था हम लोग के लिए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो देख के कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ यार, औरंगाबाद जिला बिहार से यूपी में आया हूँ बनारस रितेश पांडे जी से मिलने। मैं इसी तरह का नए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।